दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26x36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मॉडल को डिज़ाइन किया। ये 28x36 फीट में पूरा मकान चारों तरफ से ओपन है, या लगभग मैंने 3-3 फीट चारों तरफ आपकी जगह छोड़ दी, इसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर यूज होता रहे। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका मैंने केवल ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया है और कार पार्किंग और पार्किंग की व्यवस्था भी की है। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे सर कि 28x36 का हाउस प्लान चाहिए। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। अगर आप और भी बहुत सारे मॉडल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। कल मैंने दोस्तों एक 40x45 का हाउस प्लान डाला था, आप देख सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, आपका जो भी रिक्वायर्ड मॉडल्स हो वो वॉच कर सकते हैं और अपने घर का एक आइडिया ले सकते हैं। अब हम आज का जो मॉडल उसे जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे आप इसे जूम करते हैं, मैक्सिमम जूम, तो ये देखिए इसकी रेलिंग वगैरह जो है बहुत ही नॉर्मल सी लो बजट की मैंने क्रिएट की है। यहाँ स्टील की रेलिंग है। और इसके बाद फ्रंट की बात करें अगर, तो फ्रंट यहाँ पर आपका ओपन मैंने रखा है, गेट वगैरह नहीं दिया है। ये पार्किंग के लिए स्पेस है, ये आपका देखिए कार पार्किंग के लिए स्पेस है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो चारों तरफ लगभग 3 फिट का जगह आपका छूटा है। इधर भी 3 फिट, पीछे भी 3 फिट, साइड में भी 3 फिट, तो यही पूरे 3 फिट जगह छूटी है। फ्रंट में लगभग 8 फिट जगह छूटी है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये मकान की रेट है वो 28x36 में है। ये एक्स्ट्रा वाला 3-3 फिट ही अलग है, तो आप 36 में 6 फिट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, तो 42 फिट आप बोल सकते हैं मैं अगर बात करूँ तो। यही पूरा मॉडल मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। देखिएगा मैक्सिमम जूम मैं ऐसे करता हूँ तो ये मैंने लाइट्स लगा रखी हैं। ये कार पार्किंग का स्पेस है और ये बारंदा टाइप का है, इसी से आप एंट्री करेंगे। ये विंडो का डिज़ाइन है। ये चारों तरफ जो रेलिंग आप देख रहे होंगे, बाउंड्री है, यहाँ पर रेलिंग का भी मैंने यूज़ किया है और चारों तरफ विंडो भी दिया वेंटिलेशन के लिए, आप देख पा रहे होंगे। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्किंग के साइड में आपको एक बेडरूम मिलता है, गेस्ट रूम जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ विंडो आपका दिया है, एक फ्रंट में और एक इस साइड में। ये येलो कलर का डिजाइनिंग का पार्ट है। इसके बाद मेन डोर आपका ये है। अगर इस वाले बेडरूम में जाना है तो आपके पार्किंग के बगल से ही यहाँ पर देखिए ये डोर दिख रहा होगा, डोर ये विंडो, तो डोर से एंट्री कर पाएंगे गेस्ट रूम में। मेन डोर ये है, इससे आप एंट्री करेंगे अंदर। तो जैसे आप अंदर आते हैं तो ये देखिए एक आपको लिविंग एरिया टाइप का मिलता है। इसके बाद यहाँ साइड में स्टेयर्स गई है, उसके नीचे एक लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया है। और इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम है और इस बेडरूम के साथ एक अटैच्ड लेट एंड बाथ क्रिएट किया है। देखिए अंदर आप इसमें आ सकते हैं। फ्रंट में ये आपका किचन है, तो ये आपका बड़ा सा किचन, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये एक कम्बाइंड रूम, उसमें लेट एंड बाथ भी मैंने क्रिएट किया है। तो आप इस बेडरूम के लिए लेट एंड बाथ ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम क्रिएट किया स्टेयर्स के नीचे। तो लिविंग एरिया और साथ से बेडरूम, ये किचन, ये आपका लेट एंड बाथ कम्बाइंड, और ये सेपरेट लेट एंड बाथ क्रिएट किया स्टेयर्स के नीचे। और फ्रंट में आपका एक गेस्ट रूम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अब चारों तरफ बात करें तो ये देखिए विंडो मैंने चारों तरफ क्रिएट किए, जहाँ पर क्रिएट किया है यहाँ बाथरूम है। फिर वेंटिलेशन के लिए एरिया यहाँ पर मैंने एक विंडो ऊपर दिया लगभग 7 फिट पे। और ये देखिए 3 विंडो है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर बाथरूम है इसलिए वेंटिलेशन के लिए ऊपर से विंडो दिया है। ये देखिए 2 विंडो यहाँ पर दे दी है वेंटिलेशन के लिए। तो ये ओवरऑल 28x36 में प्लान क्रिएट किया है मैंने। केवल मकान जो एक्स्ट्रा 3-3 फीट है वो अलग से मैंने दोस्तों बनाया है ये पूरा मॉडल। तो ये तो इसके फर्स्ट फ्लोर की बात हो गई, ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अब हम फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर 4 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, जिसमें स्टील का रेलिंग दिया है। और जो आपका गेस्ट रूम था फ्रंट में, वो सेम टू सेम गेस्ट रूम क्रिएट कर दिया है। बस जो छत मैंने यहाँ पर क्रिएट की वो थोड़ा सा स्लोप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा टिल्ड है। और क्योंकि इधर अगर हाइट की बात करें 9 फिट है, इधर 10 फिट है, तो 1 फिट का यहाँ पर स्लोप किया है। ये एक डिजाइनिंग के पर्पज़ से आपका घर और बेहतरीन लगने लगता है। तो ओवरऑल अगर हम घर की बात करें तो 28x36 में है। फ्रंट की अगर बात करें 28 फिट है, इधर 36 फिट है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ये आपका एरिया है वो अलग से मैंने क्रिएट कर रखा है। आगे अगर बात करें तो 8 फिट आप आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब 36 में 8 अगर ऐड कर दें तो लगभग 44 फिट टोटल है। और इसमें अगर 6 फिट ऐड कर दें 28 फिट में तो 34 फिट फ्रंट में है। तो ये पूरा मॉडल हमें लगातार एक हमारे सब्सक्राइबर थे वो कमेंट कर रहे थे, उन्हीं के कहने पर डिज़ाइन किया है। मॉडल कैसा लगा
आप अपना हमें सुझाव जरूर दें। साथ साथ मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, जिस पेड सर्विस के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करूँगा आपसे बात करके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको वहाँ विशेष ध्यान ये रखना होता है कि 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, तभी आप कॉन्टेक्ट करें अगर आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें। तो चलो, स्मॉल हाउस प्लान से अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। और मैं एक बात बता दूँ, अगर इस मकान की आप कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप मटेरियल्स और कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।